उतरने के बाद ट्रैफिक जाम में लखनऊ में फंस गया, तो उसके कारण मुझे जो बात आप क्यों जा रही वहाँ राहटकर बाद, सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आज वर्तमान स्थिति में हमारा देश उसके परिणामों को भुगत रहा है। जब देश को स्वाधीनता मिली तो एक डॉलर की कीमत एक रुपए थी, वो 62 रुपए तक चली गई। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है वो 350 बिलियन डॉलर हुआ है। हमारे कंप्यूटर और हार्डवेयर इंजीनियर वर्ल्ड में सभी देशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अनेक कंपनियों में है, पर दुर्भाग्य ये है कि वो जिस कंपनियों में विदेशों में काम कर रहे हैं वहाँ से कंप्यूटर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंपोर्ट हो रहा है 60 बिलियन डॉलर का। एडिबल ऑयल जो है खाद्य